नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा प्लस में। दोस्तों आपके लिए मैं डेली स्टॉक की वीडियो लेकर आता हूं, जहां मैं आपको दो स्टॉक बताता हूं और अगले दिन हमें एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद होती है, काफी कुछ सीखने को मिलता है उन स्टॉक में। तो हम अपने बताए हुए स्टॉक की डेली एक उसकी एनालिसिस करते हैं कि आज हमारे स्टॉक में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। तो चलिए चार्ट पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैंने आपको जो स्टॉक बताया तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आप बेल का आइकन जरूर दबा लें, जिससे मेरे हर वीडियो आपको समय से मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं स्टॉक मार्केट की आपको एजुकेशन पर्पज से ऐसी ढेर सारी वीडियो लाता रहता हूं, जिनसे आप काफी कुछ सीख पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर वहां पर भी मैं लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की पोस्ट करता रहता हूं, उससे भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं, काफी बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं मैंने आपको कल जो पहला स्टॉक बताया था उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिली। दोस्तों अगर हम बात करें अपने पहले स्टॉक, मैंने आपको जो पहला स्टॉक बताया था वो था माइंडट्री का। देखिए माइंडट्री को मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर ये 923 के ऊपर निकलेगा तो इसको हम बाई करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा चार्ट में छोटा कर ले रहा हूं। तो देखिए मैंने आपको यहां पे बताया हुआ था कि 923 के ऊपर इसको हम बाई करेंगे। तो देखिए इसी कैंडल में इसने ओपनिंग दिया 920 पे, यहाँ पर इसमें इसी कैंडल में हमारी बाई कॉलेक्टिव वेट हुई और इसने हाई लगाया 928 का। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 931 का, हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट तो डन नहीं हुआ क्योंकि स्टॉक बाद में रिवर्स हो गया, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था, वहां से स्टॉक रिवर्स हो गया। अगर आप चाहते तो आपको इसमें 5 से 6 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था, आप इजिली बुक कर सकते थे। अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपको इस चीज के लिए कंग्रेचुलेशंस, अगर आपने यहाँ पर बुक नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ा होगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके सेल साइड की, आपको पता है कि मैं आपको बाई या सेल दोनों देता हूं। तो अगर मैंने इसको आपको सेल बताया हुआ था 912 के नीचे, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस कैंडल हमारी कॉल एक्टिवेट हुई 912 के नीचे, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, फिर मुझे कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं इसमें, क्योंकि इसने अगली कैंडल में लो लगाया 904 रुपए का, उसकी अगली कैंडल की लो की बात करें तो 896 रुपए का, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में पूरी एक डाउन की रैली आ गई। इसने यहाँ पर लो लगाया फाइनली 894 रुपए का। हमारा जो सेकंड टारगेट था 895 का था, सेकंड टारगेट काफी इजीली इसमें डन हो गया, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो ये काफी सक्सेसफुल स्टॉक रहा। तो ये स्टॉक तो हो गया आपके लिए, देखते मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक बताया था उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिली। अब दोस्तों बात करता हूँ दूसरे स्टॉक, मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक बताया था वो था गोदरेज प्रॉपर्टी का। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने आपको बाई बताया हुआ था 740 के ऊपर। तो देखिए बाई को हमारी कहाँ पे कहीं भी एक्टिवेट नहीं हुई, क्योंकि इसने इस स्टॉक ने ऊपर हाई लगाया नहीं। अगर हम बात करें इसके सेल साइड की, तो मैंने आपको इसको सेल बताया हुआ था 732 के नीचे, यहाँ पर इसने ओपनिंग दी 730 का, इसका हाई है आज का डे का हाई। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 739 का। तो देखिए स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे कहीं हिट नहीं हुआ, क्योंकि इस स्टॉक का आज का डे हाई रहा 736.80 रुपए, हमारा स्टॉप लॉस था 739 रुपए का। तो इस तरह से हमारा इसमें सेल्फ साइड हमारे स्टॉप लॉस कहीं हुआ ही नहीं। और इसका आप देख सकते हैं जो इसने लो लगाया अगली कैंडल में 720 रुपए का, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 726 रुपए का, 719 रुपए का, सेकेंड टारगेट हमारा ऑलमोस्ट यहीं पर डन हो गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर इसने लो लगाया 706 रुपए का, हमारा जो अंतिम टारगेट था 712 रुपए का था। कुल मिलाकर हमारे दोनों स्टॉक काफी सक्सेसफुल रहे। तो एक लाइक तो जरूर बनता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे आपको कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको दोनों स्टॉक में मूवमेंट कैसी देखने को मिली, आपको दोनों स्टॉक कैसे लगे। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने स्टॉक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको उसका यह बेनिफिट मिलेगा कि मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर मैं लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की कॉल पोस्ट करूंगा, कुछ बीटीएस की कॉल मिलेंगे आपको, कुछ मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, आप मुझसे कोई भी जानकारी ले पाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज में सहायता की जरूरत है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो अकाउंट व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपके लिए जो कल के लिए यानी कि अगले दिन के लिए 13 तारीख के लिए 13 फरवरी के लिए जो दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। दोस्तों मैंने कल के लिए जो पहले स्टॉक सेलेक्ट किया होगा अजंता फार्मा का। देखिए अजंता फार्मा में पिछले दो दिनों से एक अच्छी बाई की रैली देखने को मिल रही थी स्टॉक। अगर हम कल से ही बात करें तो देखिए यहाँ पे इसने एक बुलिश पैटर्न के साथ इसने ओपनिंग दी बुलिश कैंडल के साथ, तब से लेकर अब तक स्टॉक एक बुलिश पैटर्न में ही है। आज इसने यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाकर यहाँ पर क्लोजिंग दी हुई है। तो कल अगर अपने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर क्यों निकलता है तो एक अच्छी बाई की साइड देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स होता है तो इसमें सेल साइड देखने को मिल सकती है।
चलिए देखते हैं जनता हमारे कौन से लेवल निकलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सारी वीडियो में एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूं, तो आप वीडियो को देखें, सीखें, समझें, ताकि आप भी इंटरनेट में एक अच्छे ट्रेडर बन सकें और खुद की एनालिसिस कर सकें। तो कृपया कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूं। तो चलिए देखते हैं जनता फार्मा की कौन से लेवल निकलते हैं। तो दोस्तों जनता फार्मा को हम बाय करेंगे 1025 के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा 1015 का, हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है 1035 का, सेकंड टारगेट 1045 और अंतिम टारगेट होगा 1055 का। अगर जनता फार्मा नीचे को निकलता है तो उसको हम सेल करेंगे 998 के नीचे, स्टॉप लॉस हमारा 1007 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 990 का, सेकंड टारगेट 982 का और अंतिम टारगेट होगा 973 का। तो दोस्तों यह था पहला स्टॉक। चलिए देखते हैं जो दूसरा स्टॉक मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो कौन सा है। दोस्तों मैं बात करूं दूसरे स्टॉक में आपके लिए जो दूसरा स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है स्कार्ट का। देखिए स्कार्ट ने आज एक पूरा एक चैनल बनाया हुआ है, आज पूरे दिन स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही रहा, पर इसने एक चैनल बनाकर, देखिए मैंने आपको जो दोनों ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इन दोनों लाइन के बीच में स्टॉक फंसा रहा। तो कल इस लाइन को अगर ये ब्रेक करता है, किसी भी को निकलता है, चाहे यहाँ से स्टॉक रिवर्स होकर ऊपर की साइड में निकलता है या इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर टूटता है, तो एक अच्छी साइड देखने को मिल सकती है। तो इसको भी आप नजर बनाकर रखें और चलिए देखते हैं स्टॉक के कौन से लेवल निकलते हैं। तो दोस्तों स्टॉक हम अगर निकलेगा ये 618 के ऊपर तो उसको हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा 612 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 624 का, सेकंड टारगेट 630 का, अंतिम टारगेट होगा 636 का। अगर इसका नीचे को निकलेगा तो उसको हम सेल करेंगे 608 के नीचे, स्टॉप लॉस हमारा 614 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 602 का, सेकंड टारगेट 596 का, अंतिम टारगेट होगा 590 का। तो दोस्तों ये थे दो स्टॉक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे लाल रंग का बटन मिलेगा उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में आप बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।